इडियट्स कैसे याद नहीं होगी और उसमें आमिर खान का कैरेक्टर फुनसुक वांगडू जो लद्दाख में रहकर सोसाइटी के लिए काफी कुछ कर रहा था। अगर आपको लगता है कि फुनसुक वांगडू जैसे कैरेक्टर्स सिर्फ मूवीज में ही दिखते हैं, जो लद्दाख जैसी मुश्किल जगह में रहकर सोसाइटी के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में भी ऐसे ही एक इंसान है, डॉक्टर रितेश आर्य, ऑल्सो नोन एज वाटर किंग ऑफ इंडिया। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स, देश में भी और विदेश में भी एक अलग पहचान, लेकिन इन सब के पीछे है एक आम आदमी जो बाय प्रोफेशन अ वर्ल्ड रेनाउंड ब्रिलियंट जियो साइंटिस्ट, डॉक्टर रितेश आर्य। डॉक्टर रितेश आर्य से बातचीत करने से पहले आपको ये बता दें कि इस सिंपल चेहरे के पीछे छुपी है कड़ी मेहनत और जज्बा एक क्लीन ग्रीन फ्यूचर बनाने का। हेलो, मैं हूँ नीवा जैन, वेलकम टू जी बिजनेस एंड वेलकम टू द बिग आइडिया एज वी कैच अप विथ यू इन नन अदर देन द प्योर प्रिस्टीन सरियल ले लद्दाख। सो लेट्स कैच अप विद डॉक्टर रितेश आर्य। हेलो डॉक्टर आर्या। हाय नीवा, हाउ आर यू? वंडरफुल टू सी यू डॉक्टर आर्या, और थैंक यू फॉर taking time out to meet us in Leh Ladakh. It's my pleasure. Dr. Arya, आपने अपने life को एक बहुत secure government job से चालू की। वो सब छोड़कर doctor, आपने अपने personal savings लगा के public service में। Doctor, ये बताइए क्यों? कोई नहीं करते ऐसे। आजकल ज़माना में nobody is interested in doing public service। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, पैसा by product होता है आपके अच्छे काम का। Ideas रूल करते हैं वर्ल्ड को, ये मैंने बहुत पहले पढ़ रखा था। तो मेरे पास आइडियाज़ थे पानी पिलाने के सबको। हाँ। पहाड़ों में, और मैं पहाड़ी हूँ, कसौली से बिलोंग करता हूँ, तो पूरे पहाड़ को मैंने देख रखा है पानी की कीमत कितनी किल्लत होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते गए, तो इस प्रोफेशन में आने का मौका मिला। हाँ। तो ये कैसे मिला मौका डॉक्टर? ऐसा था कि मैं एक, जब हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म की, मैं एक पैलिंटोलॉजिस्ट बनना चाहता था, फॉसिल्स इकट्ठे करता था। हाँ। लेकिन उसमें कोई पैसे वैसे थे नहीं, पर मेरे पास बिगेस्ट कलेक्शन थे फॉसिल्स। यस, वेरी मॉडेस्ट बैकग्राउंड डॉक्टर, हम्बल से हम्बल। बिल्कुल, हमारे पास कुछ पैसे नहीं, तो लेकिन फिर भी मेरे पास इंडिया की लार्जेस्ट कलेक्शन होगी, और उसी में मेरी पीएचडी थी, पेलियो एनवायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन करना। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, एकदम नौकरी मिली, तो हमारे को जो सरकारी नौकरी मिली थी इसमें 82 रुपीज़ 80 पैसा पर डे के हिसाब से आई वॉज एम्प्लॉयड एज हाइड्रोजियोलॉजिस्ट। दैट्स नथिंग डॉक्टर, इट वॉज टू मच फॉर अस एट दैट टाइम, बिकॉज मैंने एमएससी की थी, 500 रुपये में मेरे को मिलता था खर्चा, तो 2500 रुपये मतलब 5 times इंक्रीज वॉज ट्रिमेंडस फॉर मी। तो उसमें फिर मैंने एक किया। हाँ। तो जब हम गए तो वहाँ पे रिक का कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे हमने 2-3 साल लगा के एक ऐसे मेथोडोलॉजी अडॉप्ट तैयार की, जिसमें हमने 100% एक्सप्लोरेशन में मास्टरी कर ली अपनी। yeah. कि ग्राउंड वाटर हम वहीं पे ड्रिल करते थे जहाँ पे पानी मिले। yes, doctor, you're the water king of India. हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे ये होगा। हाँ। और फिर मेरे को एक चाइना में एक मौका मिला, अपनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जियोलॉजिकल की। हाँ। तो उसमें एक मौका मिला प्रेजेंटेशन देने का। हाँ। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात एक वाटर एड से आए थे कुछ लोग, उनसे हुई, वो दलाई लामा जी के लिए। हाँ। तो 1959 में तिब्बती यहाँ से चाइनीज एग्रेशन के बाद यहाँ पे आ गए थे। right. और ले में बस गए थे। हाँ। चोगलम सर में। हाँ। तो उनके लिए कुछ करना चाहते थे पानी के लिए। हाँ। तो उनको वो लैंड दिया गया था जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं था। हाँ। लैंड था पर पानी नहीं था। तो काफ़ी मेरे से पहले जो लोग आए थे उन्होंने काफ़ी रिपोर्ट दी, सब इंदस, ये जो हमारे साथ बैरी है इंदस। yes, yes, बताइए हमारे व्यूअर्स, हम इससे खड़े हैं। हाँ, ये सिंधु नदी है जहाँ पे हम खड़े हैं, और इसी को And this is the Zanskar confluence, you Zanskar confluence. ये basically दो चीज़ें geologically थोड़ा मैं बताता हूँ इसमें आपको। हाँ। इंडिया और चाइना 60 million साल पहले, ओके, 60 million years हाँ, पहले। हाँ। इंडिया और चाइना ऐसे कोलाइड किया था। हाँ। और इंडिया, इंडियन प्लेट जो है वो चाइना के नीचे चला गया, और यहाँ से बेबी हिमालयस की अपलिफ्टमेंट हुई। okay. तो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द suture zone where India and China collided 60 million years back. This is historic, this point. This is geologically very important, you know. Wow, a historic, geohistoric event you are standing on. Really, which led to the upliftment of the Himalayas. Oh,
अपने हिमालय। तो फिर जब मेरे को यहाँ पे आने का मौका मिला तो मेरे को मेरे भी दिमाग में यही था कि यार सिंधु नदी तो वहाँ पे बहती है और ग्लेशियर्स वहाँ पे, तो पानी की किल्लत कहाँ पे होगी। तो एक एक तरफ मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे को एक, मैंने पूरे हिमालय की जोनेशन कर रखी थी कि कहाँ कहाँ से पानी मिलता है, कैसे कैसे मिलेगा। लेकिन ये वाली जोनेशन जो मेरी हिमालय से परे वाली थी, ट्रांस हिमालयन या चलो, इसमें मेरे पास कोई डाटा नहीं था। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, तो मैं यहाँ पे जब उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया, मैं यहाँ पे आया, मैंने सारा स्टडी किया। ये वाटर एड ने इंग्लैंड की, हाँ, दिस सो माई प्रेजेंटेशन एंड दिस थॉट दैट आई कुड प्रोवाइड द सॉल्यूशन, एंड दैट टाइम आई वाज जस्ट अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, यू नो, एंड देन दे हैड दिस ट्रस्ट इन मी। आपको किसने मोटिवेशन दिया? मोटिवेशन फिर उसके बाद, हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे मेरे को ये प्रोजेक्ट मिला, तो ये कह रहे थे कि हम आपके ऊपर बिलीव कैसे कर लें, पानी तो आप बोल रहे हैं यहाँ पे सेटलमेंट्स में, लेकिन तो मैंने कहा कि ठीक है, आई विल वर्क ऑन नो वाटर नो मनी बेसिस। तो नो वाटर नो मनी, दे वाज अ सरप्राइज, ओके वी विल गिव यू द कॉन्ट्रैक्ट। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, यू वर विलिंग टू डू दैट, यस यस, नो वाटर नो मनी, यस, यू हैड सो मच बिलीफ इन माय माय इंटरनल बिलीफ। नहीं, ये ऐसा था कि हमारे जो ये जो साइंस थी, जब यहाँ पे मैं, जब हमने पढ़ाई वढ़ाई सारी खत्म कर ली, तो उसमें आके मैंने सारी ये नदी में ही बहा दी थी वैसे एक्चुअली। वो क्यों? क्योंकि हमारे को पढ़ाया गया था जो जियोलॉजी थी और हाइड्रोजियोलॉजी थी, हाइड्रोजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट थे, बिल्कुल डिफरेंट थे। इसमें कोई लेना देना नहीं था यहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल टोपोग्राफी थी, यहाँ पे पेड़ कोई नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे ग्राउंड वाटर इतना ज्यादा है कि कहीं पे भी आप कर लो। तो उसमें मैंने क्या किया, फिर वो एक वो हमारे पास जो डाटा था सारा लेके, और उसके बाद था कि उन्होंने दे दिया। तो मैंने कहा पैसे तो मेरे पास है नहीं, आई एम वर्किंग ऑन 82 rupees 80 paisa पर डे, एंड देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी। एंड व्हाट ईयर वाज दिस डॉक्टर? This was 1996-97. Working on 82 rupees a day, 1996, doctor. तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर इन्होंने कहा कि ये, तो मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला यहाँ पे करना है, कोई, no one was ready to come to this place. Obviously, who wants to come to Leh? Come to Leh. एकदम barren. So next, अभी 12 years later, so barren, can you imagine? तो उसमें क्या किया हमने? तो मेरी माँ ने, हाँ, आपने माँ ने क्या किया? माँ ने मेरे अपने सारे गहने वहने करके कुछ पैसे इकट्ठे किए, और पर्सनल सेविंग्स, एंड देन आई गॉट दिस फाइनेंस फ्रॉम, नो बैंक वाज रेडी टू फाइनेंस, नेशनलाइज्ड बैंक, यू नो, बट दिस आईसीआई बैंक वाज कमिंग अप, यू नो, दे वर रेडी टू गिव फाइनेंस लाइक एनीथिंग, इन 1996 97। डॉक्टर, इट इज अनबिलीवेबल व्हाट यू आर सेइंग, बट एक छोटा सा ब्रेक लेने पड़ेगा डॉक्टर, यू मस्ट शेयर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस। Folks, break time. Please don't go away as we catch up with you in the dark with none other than Dr. Ritesh Arya. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है एज वी कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशंस विद डॉक्टर रितेश आर्य, वर्ल्ड रेनाउंड डॉक्टर रितेश आर्य, बिहाइंड द फैबुलस लैंडस्केप ऑफ द थिक्से मॉनेस्टरी इन नन अदर देन लेह लद्दाख, एंड दिस इज जस्ट रेप्लिका ऑफ लासा इन तिब्बत। ओह वाओ डॉक्टर, अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा डॉक्टर, आप जस्ट टच अपॉन, आप अपनी माँ के बारे में बताएं, क्या सैक्रिफाइस किया? जो भी कुछ मैं हूँ, वो सारी मेरी माँ की बदौलत है। अगर वो उस टाइम मेरे को इनिशिएट और स्ट्रेंथ ना देते और जो पैसे की हेल्प चाहिए तो ना देते अपना करके, तो आई वुड नॉट हैव बीन बीइंग इन व्हाट यू आर डूइंग टुडे। वाओ, और सो दिस एक्चुअली दिस शो इज अ ट्रिब्यूट टू योर मदर एंड डॉक्टर। डेफिनेटली डेफिनेटली, नथिंग विदाउट मदर, बाय बर्थ आल्सो, बाय कर्म आल्सो, एवरीथिंग इज डेडिकेटेड टू माय मदर। अच्छा, और उसके कारण ही आज जो जितने यहाँ पे तिब्बती हैं, कोई 5 से 6 हज़ार तिब्बती लोग हैं, उनको पानी मिल रहा है। आज 14 साल हो गए उनको पानी मिलते हुए, और उसके बाद इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन ऑयल, एयरपोर्ट,
and you name it, yeah. And we have the water. You have the infrastructure that enables them to have they the have water. Water there. सियाचिन में भी जब हम गए थे तो वहाँ पे भी पहले लोग बर्फ सोल्जर्स बर्फ पिला रहे थे और मैं इतना दर्द हो गया था मेरे मन में कि ग्राउंड वाटर होते हुए भी लोग वहाँ पे बर्फ पिला रहे थे और वो 2000 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी वी वर गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू ड्रिल अ बोरवेल इन सियाचिन हॉस्पिटल एंड सियाचिन ग्लेशियर और उसके बाद आज तक किसी ने वहाँ पे बेस में बर्फ नहीं पिघलाई है और वो पानी पी रहे हैं जैसे हम नॉर्मली पीते हैं। थैंक्स टू यू डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, आपके मानने में natural calamities are god given, god controlled, ye soch to bilkul non scientific hai, to as a scientist hame bataiye, hame samjhaiye aapke liye. dekhiye kya hota hai, god keh dein to matlab aise lagta hai, lekin agar isko hum bhagwan kehe to bhagwan shabd kya hai aapke maine mein, bhagwan kya hoga? main aise aapse poochta hu, bhagwan to andar hai, andar hai kuch bhi kuch bol dega, lekin jo scientific hai, science behind bhagwan kya hai? haan ji, bhagwan panch shabdon se bana, aksharon se, ग व अ न, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नील। तो हमारे को जिंदगी में कोई भी कार्य करना है वो हमारे को इन पांच तत्वों को याद करते ही करना है। तो ये भगवान मतलब साइंस कह लो या विज्ञान, अगर साइंटिस्ट कह लो तो गलत है, अगर विशेष ज्ञान कह लो और भगवान के बारे में पांच तत्वों को ज्ञान करते हुए आपने कार्य करना है तो सब चीजें बहुत आसान है। एनवायरमेंट फ्रेंडली हम बोलते रहेंगे लेकिन अगर भगवान को याद करते हुए, इन पांच तत्वों को याद करते हुए हम कार्य करेंगे तो हम कभी भी एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, एनवायरमेंट हमारे साथ खिलवाड़ नहीं करेगी और हम एक अच्छी जिंदगी एनवायरमेंट के साथ जिएंगे। ग्लोबल क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग का एक हुआ क्रिएट कर दिया गया वेस्टर्न साइंटिस्ट के द्वारा क्योंकि वो भगवान को नहीं समझ पाए, असल में भगवान को नहीं समझ पाए। उन्होंने पॉल्यूशन को और पॉल्यूटेड टेक्नोलॉजीज को एक कारण बना लिया, ओजोन डिप्लीट हो रही है, ग्रीन हाउसेस इंक्रीज हो रही हैं और उसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। पर ये ट्रुथ नहीं है। हमने यहाँ पे बोरवेल्स ड्रिल कर रहे थे आर्मी के लिए तो वहाँ पे इंडस ग्लेशियर का हमने एविडेंसेस फाइंड किए और उसके बाद यहाँ पे अब सी साइकल्स जियोमॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस फाइंड किए यही मतलब लद्दाख में इंडस के बैंक्स में जो ये दर्शाते हैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग एक साइक्लिक प्रोसेस है। चाहे आप जितनी मर्जी गैसेस इंक्रीज कर दो, जितना मर्जी पोल्यूशन इंक्रीज कर दो, ग्लोबल वार्मिंग के बाद अपने आप इट विल गेट बैक, ग्लोबल कूलिंग आनी ही आनी है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर हम कहें कि हम ये करें, अगर ऑयल के नीचे से वोल्केनो जितने भी हैं फूट भी जाएं, जितना भी ऑयल हो जाए ग्लोबल कूलिंग उस टाइम भी आ जाएगी। It has nothing to do with pollution. और इसमें क्या है? Pollution or man-made substances. Man-made substances has nothing to do. So pollution can be controlled by improving the technologies. Correct. But global warming and global cooling is inevitable. Inevitable. अच्छा, it's nature. It's nature. So अब ये एक थिक्से monastery है. लेकिन ये पहाड़ पे क्यों बनाई गई? Important है. क्योंकि ये यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये channel आ रहे हैं. हाँ जी. और ये channel क्या था? कभी भी ग्लेशियर आ सकता था, कभी भी एवलांच आ सकता था, कभी भी फ्लैश फ्लड आ सकता था। तो एक ये मने वॉल क्या होता था, एक प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाती थी कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होते थे। वो सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग होते थे कि पानी वहाँ पे कभी पहुंचेगा नहीं और ये उसको पानी कोई अगर ऊपर से आ जाए तो बचाता था। तो ये मतलब दोनों चीज़ों से प्रोटेक्ट करता था और इसके बाद इसने उन्हें प्रोटेक्शन वॉल्स को मानते हैं, मने वॉल्स मींस प्रोटेक्शन वॉल्स फॉर देम आल्सो। पर दे अगर इसको हम जियो साइंटिफिक वे से दें और इनकी मैंने जहाँ पे भी हमने स्टडी किया है पूरे लद्दाख में जहाँ पे भी मने वॉल बनी है उसका एक डिजास्टर इम्प्लीकेशंस मीनिंग है उसके बाद। और जितना भी अगर आप ये देखेंगे मोनेस्ट्रीज हैं इनमें पहले था सिर्फ लाइट के लिए प्रोविजन था, कई कई जगह आप देख रहे हो अभी भी छोटी छोटी विंडोज हैं वो देख रहे हो आप ऊपर, छोटी छोटी हैं लेकिन विद ग्लोबल वार्मिंग दे नीड नॉट ओनली सनलाइट बट दे नीड हीट आल्सो, दे नीड हीट आल्सो। तो उसमें क्या है, प्रोविजंस ऑफ। अच्छा डॉक्टर, आपने लद्दाख को क्यों चूज किया अपने? देखिए वो ऐसा था कि मतलब मैंने आपको बताया कि वो एक ये डेस्टिनी डिस्टाइंड होती है। तो जब मेरा ये तिब्बतियों का प्रोजेक्ट आया, जब दलाई लामा जी के होलीनेस के थ्रू, वाटर रेड के थ्रू, तो आई वाज जस्ट मोटिवेटेड आफ्टर सीइंग द फ्लाइट कि पानी नहीं है इनके पास पीने के लिए। और उसके बाद जब मैंने इनको पानी दे दिया तो फिर एयरफोर्स के, फिर आर्मी का देखा तो मतलब इतने सालों से, 14 सालों से सच रिक्वायरमेंट, हाँ रिक्वायरमेंट है क्योंकि आर्मी और तिब्बतन वैसी थे, ये माइग्रेशन करके कहीं से आए थे और आर्मी को भी वही लोकेशन दी जाती है, यहाँ पे पानी नहीं होगा क्योंकि जो ओरिजिनल लोकेशन है वो लोकल्स के पास इनहेबिटेड होती है, दे हैव बीन कल्टीवेटेड द लैंड और वहीं पे हैबिटेशन होती है, पानी है तो सिविलाइजेशन है।
तो जहाँ पे भी अब क्या है कि ग्राउंड वाटर की इंपॉर्टेंस इसमें बहुत है। हमने जितना भी आर्मी के लिए काम किया वो सरफेस वाटर से नहीं, सरफेस वाटर वो हमने ड्रिल करके, और आई मीन डॉक्टर सॉरी टू इंटरप्ट बट आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ये मिला है कि द लार्जेस्ट वाटर ड्रिल एंड दैट वाज द ऑडिशन कंडीशन, पानी अपने आप आ रहा है वहां पे, द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे हमने ड्रिल किया था। और जगह है इंडिया में जैसे आप ये काम, आर्टिशन कंडीशन तो बहुत जगह है बट हाईएस्ट आर्टिशन कंडीशन हमारे पास यहाँ पे मिली है, और हमने यहाँ पे ले में भी और चुशुल में भी 40,264 जहाँ पे 1962 की लड़ाई हुई थी, तो वी वर गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू ड्रिल अ वेल देयर एंड इट टर्नड आउट टू बी एन आर्टिशन कंडीशन, सो That was a remarkable thing, you know. But after Leh Ladakh, आप सोच रहे हो कि कहीं और जगह इंडिया में जाने के लिए? देखिए मैं पहाड़ों पे ही स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि पहाड़ों पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे नदियाँ बह रही हैं, ग्लेशियर्स हैं, फिर भी लोगों को पीने का पानी नहीं है, पानी नहीं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी भी ले में टैंकर के द्वारा पानी दिया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड वाटर इतना पोटेंशियल है यहाँ पे कि अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे पंजाब में वैसा लद्दाख में ला सकते हैं। और जो इंपोर्ट सब्जियां ये क्या बोलते हैं हमारी आर्मी कर रही है, सर्दियों में करती है, गर्मियों में करती है नीचे से, और कितना पैसा बर्बाद कर रही है, वो यहीं पे हम कर सकते हैं इसका यूज। डॉक्टर आपकी एंथुसियाज्म, आपकी एनर्जी, मतलब इट्स इंस्पिरेशनल कि आप क्या क्या काम कर रहे हो। बट एक छोटा सा ब्रेक लेने पड़ेगा डॉक्टर, एक और ब्रेक लेने पड़ेगा फोक्स, प्लीज डोंट गो अवे। बाद फिर से आपका स्वागत है एज वी कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशंस विद द वर्ल्ड रेनाउंड फेमस डॉक्टर रितेश आर्या इन नन अदर देन पैंगोंग लेक वेयर वी हैव द बैकड्रॉप विद डॉक्टर। डॉक्टर लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां पहुंचने में और रहने में दोनों बहुत मुश्किल है, स्पेशली ठंड के मौसम में। तो हमें बताइए लॉजिस्टिक्स से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करें। देखिए ये जो थोड़ा सा आपके आंसर देने से पहले मैं इस लेक के बारे में बताना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी बताइए। ये 140 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा लेक है। हाँ। पर ये लेक नहीं था जियोलॉजी के लिए, ये एक चैनल था। हाँ। जो आगे तांगसे को निकल जाता था, पर ओवर द पीरियड यहाँ पे एक लैंडलॉक बन गया है जिसके कारण ये अब सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्टी वाटर है। हाँ, एंड आई बिलीव कोई वेजिटेशन नहीं है यहाँ पे, फिशेस वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसको पैंगोंग के लोकल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है ग्रीन स्लोप्स, पहले यहाँ पे ग्रीन स्लोप्स रहती है, लाइक लिटरली 7-8 शेड्स का है ना, बहुत शेड, जितना सूरज की रोशनी बदलती रहती है उतने इसके शेड बदलते रहते हैं। और कमिंग टू योर क्वेश्चन नाउ, ऐसा हुआ था कि जब यहाँ के 6 महीने से ज्यादा यहाँ पे रास्ते बंद रहते हैं, हाँ जी, लद्दाख आज भी करेक्ट करेक्ट, मतलब 60 साल की इंडिपेंडेंस के बाद भी मेरे को ही लॉजिस्टिक नहीं, मतलब यहाँ पे पूरी जो लोग हैं यहाँ पे उनके आर्मी लोग सबको। और उसमें क्या है कि जब हम यहाँ पे आए थे 1998-99 में, तो कारगिल की जो टेंशन थी बहुत ज्यादा, राइट कारगिल का भी था। और उस टाइम क्या था, जब हमारी ये गाड़ी आना था वहाँ से, हाँ जी, चंडीगढ़ से, तो इतनी आर्मी में प्रॉब्लम हो गई थी कि इसको लेके कैसे जाएंगे, तोप है, तो रात में हमारी गाड़ी की मूवमेंट हुई थी सारी, और फिर हम यहाँ से लेके आए थे। हाँ। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आदमी को लाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एक बार आ जाता है वो मुश्किल से दोबारा, तो इनका मोरल हाई रखने के लिए उनको मोटिवेट करना पड़ता है, नहीं यार देश के लिए भी फ्रस्ट्रेशन नहीं लगता है डॉक्टर? मेरे लिए तो ये वर्जिन, मतलब एक जियोलॉजी है, और ये वर्जिन क्या आप कह सकते हो कि लैंड है, और जितना ज्यादा इसके बारे में मैं जानता हूँ उतना ज्यादा मेरी और क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है। क्योंकि आपके साथ बात करके लगता है कि इतने इजी है, आसान है, आसान है, क्योंकि ये जो पहाड़ हैं ये खुद बोलते हैं। एवरी टाइम आई कम तो देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच आई हैव टू गेट आंसर्ड, यू नो, तो इतना ज्यादा ये कनेक्टेड है, तो इसमें क्या रहता है, कभी मैं अकेला नहीं होता हूं, मतलब ऑलमोस्ट आई एम ट्रैवलिंग अलोन, बट आई एम नॉट अलोन बिकॉज़ दे आर विद मी, द एनर्जी इज देयर, एंड देन रॉक्स आर देयर, द रिवर इज देयर, द माउंटेन्स आर देयर, और उनके बारे में
जानने की इच्छा कि ये इनका इनका मतलब उत्पत्ति कैसे हुई है, इनकी डेथ कैसे हो रही है, इनका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। तो एक प्रोसेस जो है इनके साथ, तो मैंने कॉन्सेप्ट एक डेवलप किया बायोजियोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये रॉक्स भी बोलते हैं, इनकी भी जन्म होता है, इनका भी डेवलपमेंट होती है और इनकी भी डेथ होती है। तो ये एक सिनोनिमिटी बिटवीन मतलब आदमी के और बायोलॉजिकल लाइफ और जियोलॉजिकल लाइफ। तो इसको कंबाइन करके इनको देखा जाए तो लाइफ इतनी आसान है इनके साथ जीना ना। और वो भी इतना ज्यादा मतलब इतनी टफ कंडीशंस में, आर्मी के पास तो फिर भी सपोर्ट होता है, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा अभी रिग हमारी यहाँ पे लुकुंग में लगी हुई है, ये लुकुंग मीन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लेक, तो अगर वहाँ पे दिखाऊंगा तो उनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो मोटिवेटेड है। डॉक्टर, आप जियोथर्मल स्प्रिंग्स के लिए काफी फेमस है, क्या आप आसान लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स को समझा सकता है द रेलेवेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जियोथर्मल स्प्रिंग्स? जियोथर्मल, जियो का मतलब अर्थ और थर्मल का मतलब हीट। जो एनर्जी या हीट धरती से पैदा की जाती है उसको जियोथर्मल बोलते हैं, और उसको एनर्जी को यूटिलाइजेशन करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज के लोग बहुत काम कर रहे हैं, आइसलैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, तो ये सारे कर रहे हैं। हमारे पास भी 10,000 मेगावाट का पोटेंशियल है, लेकिन आज तक हमारे पास कोई भी एक जियोथर्मल प्लांट नहीं। क्यों? ये हमारी जैसे पॉलिसी है अभी सोलर मिशन के लिए, यहाँ पे क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए तो अपनी सरकार दांव पे लगा दी, लेकिन जियोथर्मल के बारे में मैं कोई नहीं सोचा। बट क्यों नहीं सोचा? आगे नहीं सोचा क्योंकि क्या? क्योंकि यहाँ पे या तो उनकी विजन नहीं है इसके बारे में, वही तो आगे, और पॉलिटिकल विल भी नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अभी फुकुशिमा और चेर्नोबिल के बाद एकदम एक न्यूक्लियर बम की तरह हो गए हैं, ये कभी भी फट सकते हैं। लेकिन एक जियोथर्मल एनर्जी ऐसी है, अब देखिए जी सोलर नहीं है तो सोलर एनर्जी नहीं होगी, विंड नहीं है तो विंड एनर्जी नहीं है, अगर ऐसी हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स क्लाइमेट से डिपेंडेंट है, अगर ग्लेशियर सारे खत्म हो गए, हमारे सामने देख रहे हैं ग्लेशियर्स आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये देखिए जितने भी आपके पास है बिल्कुल पीक पे रह गए, थोड़े थोड़े रह गए हैं और इतनी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, तो जितना भी आपके पास हाइड्रो पावर भी आ रही है वो भी बिल्कुल लिमिटेड हो जाएगी क्योंकि ये क्लाइमेट से है। एक जियोथर्मल एनर्जी ऐसी है, तो इसमें हमने क्या किया था, अभी 2008 में एक कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया, वो है अग्नियोद्गार। अग्नियोद्गारा था एनर्जी फ्रॉम लावा, तो इसको भी हमने जियोथर्मल में भी स्पेसिफिक कर दिया है, एनर्जी फ्रॉम लावा, और उसमें क्या है, एनर्जी फ्रॉम लावा इज अवेलेबल एवरीवेयर एट शेलो डेप्थ, इफ वी कैन टैप इट वी कैन प्रोड्यूस नॉट मेगावाट्स बट गीगावाट्स ऑफ पावर। तो दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में केयर ऑफ, तो उसमें क्या है कि हमारे को अब इसमें अगर हम अग्नियोद्गारा साइट्स आइडेंटिफाई करके और गवर्नमेंट थोड़ा सा पॉलिश अपना वो दिखाए, पर आप पुश कितने कर रहे हो? कर रहे हैं अभी हम काफ़ी, इसमें अभी रिसर्च काउंसिल ऑफ नॉर्वे ने हमारे को पीछे 2010 में ग्रांट्स दी थी अग्नियोद्गारा के लिए, उसने एक्सटेंड किया है 2014 तक, तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं नॉर्वे आइसलैंड के साथ कोलैबोरेशन में, हम उस अग्नियोद्गारा को पुश कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट से हटके, अब इतनी रिजेंटमेंट है, अब देखिए $5 to $6 billion एक गीगावाट्स न्यूक्लियर पावर एनर्जी के लिए चाहिए, जबकि अगर एक पब्लिक सेक्टर या कोई प्राइवेट $2 to $3 billion की इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं तो वी कैन प्रोड्यूस 1 gigawatt ऑफ पावर इन अग्नियोद्गारा साइट्स। इसमें क्या है कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ द, अभी क्या है जितने हॉट स्प्रिंग्स चल रहे हैं सदियों से चल रहे थे, अगर मणिकरण में जाओ, आप तत्तापानी में जाओ, कहीं पर भी चले जाओ तो वो हॉट स्प्रिंग्स निकल रहे हैं, अभी तक वो एनर्जी आ रही है। तो हमारे जो पूर्वजों ने वो मतलब हमारे वो लेसन हैं कि हम उसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लैक कर गए हैं उसको करने में। अभी आइसलैंड ये जियोथर्मल एनर्जी सरप्लस पूरे यूरोप को दे रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं चूक गए हैं इसमें, और अभी भी अगर हम इसमें पॉलिटिकल विल दिखाएं और पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर हैं कुछ मर्ज हो जाए तो इसमें बहुत एनर्जी, और ये जैसे हमारा स्लोगन है इसमें अग्नियोद्गारा इज सेफ, फ्री, क्लीन, ग्रीन, सस्टेनेबल, रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ऑल बाय 2050 and for the future, for our children and yes, it's free energy for all, it's Doctor. like free water and free energy. That's what our mission is. Doctor, aap to ek visionary ho. I mean, you're a true blue visionary, aur itna acha laga aapke sath baat cheet karne mein, really bahut acha laga. Only wish you all the best. Itna aapne September and October mein aap yahan pe aa rahe ho,
जब दुनिया सारी यहाँ से चली जाती है एज अ टूरिस्ट और आप इतना हिम्मत करके यहाँ पे आए हो, दिस वाज एन अगेन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस दैट यू मेड इट सो इट वाज सच एन ऑनर एंड प्लेजर टू मीट यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. आपकी माँ को एक स्पेशल थैंक यू वेरी मच. उनको शी हैड फेथ इन यस. देखो आप कहां पहुंच गए. थैंक यू सो मच. For you folks out there, we hope you've enjoyed this very, very, very important, relevant episode of The Big Idea. Agle hafte fir mulaqat karenge with another interesting entrepreneur. Until then, God bless.